अस्सलाम वालेकुम। आज का जो प्लान है वो है कुछ खास, और हम जा रहे हैं अटक खुर्द। मोटर गाड़ी में लेकिन अटक खुर्द हम जाएंगे एक नए रास्ते से जो गाजी बरोता से होके जाता है। पहली बार मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, पहले मैं कभी गया नहीं हूँ। वैसे हम जीटी रोड से जाते हैं, लेकिन पहाड़ों का जो सिलसिला है ना यार, बहुत मज़े का है। और इधर बाइक ड्राइव करना, स्पेशली अगर आपके पास ड्रोन है तो ड्रोन के फोटेज तो बहुत आला आने। तो जितने भी ट्रैवलर हैं जो शौक रखते हैं बाइक शाइक पे घूमने का, तो यहाँ से ज़रूर ट्राई करें। और ये गाजी बरोता से आगे छोटे छोटे गाँव हैं बीच में, और उन गाँव से होते हुए ये सीधा जाता है अटक खुर्द रेलवे स्टेशन के। अगर आप अटक से अटक खुर्द गाजी बरोता वाली साइड से जाओ तो आपको रास्ते में एक बहुत ही प्यारी सी मस्जिद मिलेगी। मुझे लग रहा है कि ये बहुत पुरानी मस्जिद है जो किसी ने बनाई है, और छोटी सी मस्जिद है। मुझे तो काफी पसंद आई है, बस इसकी ये है कि इधर कोई होता नहीं है। जो भी इधर से गुजरता है वो मेरे ख्याल में नमाज वगैरह पढ़ता है, तो सफाई वगैरह का इतना सीन नहीं है। साथ में ये पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, लेकिन ये पानी निकल रहा है। इधर से कोई चश्मा वगैरह आ रहा है, या साथ में दरिया है तो पहाड़ों के नीचे से कोई पानी आ रहा है मेरे ख्याल में। तो लोग यहाँ पर वजू वगैरह करते हैं, और ये सामने मस्जिद है, एक प्यारी सी छोटी सी मस्जिद है। ये जो ट्रेन है ये आ रही है पेशावर से कटक जा रही है, और बहुत ही खूबसूरत इधर से रास्ता है जहाँ से गुजर रही है। अटक खुर्द का रेलवे स्टेशन के बारे में शायद आप लोगों ने सुना ही होगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन इन पाकिस्तान। और यहाँ से हम जाएंगे सीधा नीचे। ये वो पुल है जिसके ऊपर से ट्रेन और इसके बीच में सड़क है, जिस पे किसी ज़माने में गाड़ियाँ गुजरती थी, लेकिन अब वो नया पुल बन गया तो उधर से गाड़ियाँ गुजरती हैं। प्लेन हमारा कुछ कुकिंग का भी था, और ये बन रहा है चिकन, क्योंकि हम ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं कि सामान वगैरह लेके कुकिंग अपनी खुद ही करते हैं जहाँ भी हम आउटिंग के लिए जाते हैं। तो कढ़ाई बन गई है ऑलमोस्ट, और इसके बाद जो मैं आपको सीन दिखाने वाला हूँ वो बहुत मज़े का सीन है। और ये कढ़ाई बन गई है, ये व्यू चेक करें, यहाँ बहुत ही मज़े का सनसेट और पानी, और पानी का शोर अमेजिंग। ये अटक से पेशावर की तरफ गाड़ी जा रही है, जो कि लकीली अभी हम इधर ही हैं, तो थोड़े से पोटेज हमने बना लिए हैं इसकी भी, और बहुत प्यारा ये खूबसूरत सीन है। खाना वगैरह खा लिया हमने, अब चाय ना हो तो फिर तो ट्रैवलिंग का मज़ा ही नहीं आता। तो हमने एक चाय वाला तीला लिया था और उसमें चाय बनाई थी, लेकिन यार हमारे पास कप नहीं थे, तो जुगाड़ करके हमने चाय पी ली है। सबसे जो बेस्ट सीन था इस ट्रिप का वो ये वाला सीन था, जो सनसेट और उसकी लाइट की रिफ्लेक्शन पानी में, और पानी का शोर और खामोशी, यार बहुत ही मज़े का सीन था ये। और इसके लिए मैंने एक अपने दोस्त को कहा था कि यार इसके लिए कोई कैप्शन सेंड कर दे, तो वो मैं यहाँ पर लगाता हूँ। फराज अब कोई गम कोई जुनू भी नहीं, अगर करार से दिन कट रहे हो यूँ भी नहीं। लबो जहाँ भी मिला गुफ्तगू का फन भी मिला, मगर जो दिल पे गुजरती है कह सकूँ भी नहीं। फराज जैसे दिया गुर्बत हवा चाहे, वो पास आए तो मुमकिन है मैं रहूँ भी नहीं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।